नमस्ते दोस्तों, ओरियन टीवी रिपेयर में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एलईडी टीवी रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है, इसका रिपेयरिंग करेंगे। इसका प्रॉब्लम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए ये स्टैंड बाय में है, इसको रिलीज करने पर डिस्प्ले ऑन हुआ, बुझ गया। दोबारा स्टैंड बाय करके रिलीज करके देखेंगे। देखिए इस बार भी वैसा ही हुआ, तो इसको खोल लेंगे इसकी बॉडी को और फिर इसका रिपेयरिंग करेंगे। ये खुल गया दोस्तों, देखिए स्टैंड बाय सप्लाई दे दिए हैं। इसको रिलीज करके देखते हैं। देखिए बैक लाइट जला, फिर बुझ गया। ये कम्बो बोर्ड है, इसका जो एक कंडेंसर है ये देख लीजिए, ये कंडेंसर ओपन हो गया है, खुला हुआ है। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे और चेंज करके देखेंगे कि ये प्रॉब्लम ठीक होता है कि नहीं। ये क्राउन का एलईडी टीवी है 32 इंच का, इसमें कम्बो बोर्ड लगा हुआ है। इसका साउंड जो है एकदम ओके है, पिक्चर आ रहा है और बुझ जा रहा है, यही इसका प्रॉब्लम है। ये खुल गया दोस्तों, ये जो कंडेंसर है इसको अब चेंज करने के लिए यहाँ जो पावर सप्लाई को कवर करने वाला जो प्लास्टिक पेपर लगा रहता है उसको भी ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, ताकि कंडेंसर को निकालने में हमें आसानी हो। ये वाला कंडेंसर जो है इसको निकालेंगे, हम सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से निकाल रहे हैं, डिसोल्डर वायर की सहायता से। हमारे पास हॉट गन नहीं है, ये देखिए कंडेंसर निकल गया। 330 माइक्रोफराइड 35 वोल्ट का कंडेंसर है, देख लीजिए ये फुला हुआ है। अब इसके जगह में दूसरा लगाएंगे, उससे पहले यहाँ जो कंडेंसर लगता है उस पॉइंट में जो चीज़ रहता है उसको साफ कर लेंगे। ये कंडेंसर है 470 माइक्रोफराइड 40 वोल्ट का कंडेंसर है, इसको हम यहाँ लगा देंगे, फिर देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम ठीक होता है कि नहीं। दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें। इसको सोल्डिंग कर देंगे अच्छे से। ये सोल्डिंग हो गया, देख लीजिए। अब इसको यहाँ एक दो नट कस देंगे। इसको कस देता हूँ और फिर चालू करके देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं। अब इसमें जो आईडीओ पिन है और बैक लाइट का पिन जो है उसको लगा दूंगा। अब
इसमें पावर दे दिया हूँ मैं, देख लीजिए इसका जो स्टैंड बाई LED है वो जला हुआ है, जल रहा है, ऑन हो गया। देखिए इसका बैक लाइट चालू हो गया, ये डिस्प्ले भी ऑन हो गया। पिक्चर एकदम ठीक है, इसका डिस्प्ले ओके है। पावर ठीक से फिल्टर नहीं हो रहा था इसलिए प्रॉब्लम था, यह प्रॉब्लम अच्छे से ठीक हो गया है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए टीवी रिपेयरिंग के साथ। धन्यवाद।